चूरू नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष विमला गढ़वाल के नेतृत्व में पार्षदों ने आयुक्त मघराज डूडी को ज्ञापन सौंपकर भाजपा समर्थित वार्डों में हाई मास्ट लाइट लगाने में भेदभाव का आरोप लगाया है। दो बड़ी हेडलाइटें लगी है, हम नगर परिषद चूरू से कमिश्नर साहब ने यह मांग की है कि दो बड़ी हेडलाइटें लगी है तो उसमें तो हमारे बीजेपी पार्षदों को कोई सूचित नहीं किया गया है और एक एक वार्ड में पांच पांच चार चार लाइट लग रही है और अब बीजेपी वार्ड में एक भी लाइट नहीं है, किसी को पता ही नहीं है चूरू में जो अपने अपने चेयरमैन साहब के और समझे हैं उनके घर वार्डो में पांच पांच चार चार लाइटें लग रही है और जो भी जरूरी है जहां चौरस्ते है जहां पर बड़ी सड़कें हैं ना जरूरत है वहां पर एक लाइट नहीं लग रही है। इस लाइटों का हमने बोला ब्यौरा लेने के लिए आए हैं कि हमें आज साहब ने पूछा है कि आपने यहाँ कितनी लाइटें मंगाई है, किस फंड से मंगाई है और कैसे शहर में विकास करना चाहते हैं और कैसा विकास हो रहा है ये हमारे हमारे पूरी रिपोर्ट दे। चूरू शहर में हमेशा से हम नेता प्रतिपक्ष के साथ है, चूरू विकास के लिए हमेशा आयुक्त साहब से मिलते हैं, आज हम आयुक्त साहब से मिले हैं, उन्हें कहे कि चूरू में जो मिनी हाई मास लाइट है लग रही है, अहम पार्षद शहर का भाजपा पार्टी का, उन्होंने लगातार समय समय पर एप्लीकेशन दिया आयुक्त साहब को और यहाँ के जो इस विभाग को संभालते हैं उनको, फिर भी एक लाइट नहीं लगी है और दूसरों के वार्डो में चेक चपात वाला लग गया। पूरा शहर का मुख्य जो पार्षद हमारे जो शहर के मुख्य बाजारों के पार्षद है, मुख्य शहर में रहने वाले पार्षद है, जहाँ पे कोरेज पड़ता है नगर पालिका प्रति है उस शहर के पार्षद के वहाँ हाई मास लाइट नहीं लगाया जा रहा, ये भेदभाव किया जा रहा है जिसे हम कतई सहन नहीं करेंगे। चूरू में एसपी दिगंत आनंद को ज्ञापन सौंपते हुए प्रधान दीपचंद राहड़ के साथ मारपीट के आरोपितों को गिरफ्तार करने की मांग की गई है।